नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पास त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका YouTube चैनल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों का YouTube चैनल हैक हो जाता है तो भैया बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल होता है YouTube चैनल को रिकवर कर पाना, YouTube टीम से बात करना पड़ता है, काफ़ी मेंटल ट्रॉमा आप लोग को झेलना पड़ सकता है। अपने YouTube चैनल को वापस से रिकवर करने के लिए हो तो जाता है रिकवर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सिक्योर रहो पहले से ही, तो ना ही तो आपका YouTube चैनल हैक होगा, ना ही आपको इतना मेंटली परेशान होना पड़ेगा अपने YouTube चैनल को रिकवर करवाने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि हैकर आपके YouTube चैनल को हैक ना कर पाए। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिनके भी YouTube चैनल हैक होते हैं उनका हैक होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो गलत स्पॉन्सरशिप के चक्कर में फंस जाते हैं, और गलत स्पॉन्सरशिप के चक्कर में फंसना ही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण होता है, मेन रीज़न ही होता है जिससे आपका YouTube चैनल लोग हैक कर लेते हैं, हैकर्स हैक कर लेते हो। तो अब इससे कैसे बच सकते हैं, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर आप लोग का YouTube चैनल भैया कभी हैक नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि ये हैकर है कि ये ओरिजिनल है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग का YouTube चैनल हैक होने के चांसेस बनते हैं। सपोज करो जब आपका YouTube चैनल ग्रो करता है, जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो आपके YouTube चैनल पे कई मेल्स आने लग जाते हैं, कई ब्रांड्स के मेल्स आने लग जाते हैं कि आप उनके ऐप्स को, उनके वेबसाइट को, उनके वीडियो को कुछ करके प्रमोट कर दो और उनसे कुछ पैसे चार्ज कर लो। इसी का ओवरऑल मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। आप अपने YouTube चैनल पर किसी चीज़ का प्रमोशन करते हो, तो किसी ऐप का, किसी वेबसाइट का चीज़ का प्रमोशन करते हो। तो अब आपके पास मेल कैसे आता है, मेल से हैकर्स आप लोग को मेल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास कोई मेल आएगा, सपोज करो कोई ब्रांड है वो मेल करते हैं कि आप लोग भैया हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर दो, हम आपको इतना पैसा देंगे और आपको वीडियो बनाना है और हमको फिर सेंड करना है। तो यही सबसे पहली पहचान होती है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी जो ब्रांड आपसे कोलैबोरेट कर रहा है, कोई भी ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर रहा है, तो सबसे पहले भैया वो आपके प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्राइस नहीं बताएगा कि आप इतना प्राइस ले लो। वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका रेट लिस्ट क्या है किसी चीज़ को प्रमोट करने का, किसी ऐप को, किसी वेबसाइट को प्रमोट करने का आपका रेट लिस्ट क्या है, पहले वो आपसे जानेगा। उसका सेकंड आपको वो रेफरेंस के लिए कोई वीडियो देगा, सबसे पहले आपको कोई रेफरेंस के लिए वीडियो मांगना है कि भैया कोई यूट्यूबर ने आपके ऐप को, किसी आपकी वेबसाइट को प्रमोट किया है तो उसका मुझे लिंक तो पहले मैं देखूंगा, उसके बाद ही प्रमोट करूंगा। तो अगर वो लिंक दे देता है, वो ब्रांड दे देता है, वो कंपनी दे देती है, तब तो ठीक है, तब तो वो ट्रस्टेड है, बहुत हद तक वो ट्रस्टेड है। लेकिन अगर वो नहीं देता है तब आप बिल्कुल समझ जाओ भैया कि वो हैकर है, वो कोई अपने उसकी ना कोई ऐप है ना वेबसाइट है, वो आपका यूट्यूब चैनल हैक करना चाह रहा है। और दूसरी बात ये कि वो कभी भी आपको पैसा पहले से नहीं बताएगा कि मैं आपको $10 दे दूंगा, $20, $50 दे दूंगा, ये नहीं बताएगा। पहले आपसे पूछेगा कि आप कितना चार्ज करते हो, उसके बाद वो भी जो नेगोशिएशन वाली बातें आती है वो बात की है, लेकिन पहले तो भैया प्राइस कोई बताता ही नहीं है। और सेकंड जो पॉइंट रहता है वो ये है, आपको इस तरीके से पहचानना है कि वो हैकर है कि रियल है। कि सपोज़ करो किसी ऐप को प्रमोट करना है, अब आप जानते हो कि किसी ऐप को प्रमोट करने के लिए सपोज़ करो $5 चार्ज हो रहा है, कई लोगों ने चार्ज किया है $5, या जनरली मार्केट में आप जान चुके हो कि रेट इतने इस ऐप का $5 ही होगा प्रमोशन करने का। अब कोई आपको मेल कर रहा है भैया मैं आपको इस ऐप का प्रमोट करने का $50 देने को तैयार हूँ, बस आप मेरे लिए एक वीडियो बना दो, तो आप सीधे से समझ जाओ कि भैया वो हैकर है। जो चीज़ $5 में प्रमोट लोग कर रहे हैं उसका वो $50 क्यों पे कर रहा है, सिर्फ आपको हैक करने के लिए पे करने कर रहा है, जबकि पे भी नहीं करता, आपको हैक कर लेता। तो ये तो दूसरी तीसरी पहचान, इस तरीके से आप हैकर्स को और रियल पर्सन्स को जज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे स्पॉन्सरशिप लेना है और कैसे स्पॉन्सरशिप मेल्स को समझना है। अगर आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप मेल्स को ही समझ लिया अच्छे तरीके से तो आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हो। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि आप अपने YouTube चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को नहीं इनेबल करते हो। टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक मोड बन जाता है जिससे हैकर हैक कर लेते हैं, आप किसी दूसरे डिवाइस पे आपके YouTube चैनल को लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपका सिंपली से वो हैक कर लेते हैं। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखोगे तो जो भी कोई भी डिवाइस में आपका YouTube चैनल लॉगिन होगा मेल आईडी, पहले आपके पास OTP आएगा, उसके बाद ही लॉगिन हो पाएगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन मेक श्योर कि आप अपने YouTube चैनल पर की मेल आईडी पर जरूर इनेबल करके रखें। तो ये दो बातें थी, पहले आपको स्पॉन्सरशिप मेल को कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उसको समझना है कि वो रियल है कि फेक है, और दूसरा आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है। अगर आप लोगों ने इन दो चीज़ों को ध्यान से कर लिया तो आपका YouTube चैनल हैक होने
से मतलब हैक कभी नहीं होगा, कोई आपका YouTube चैनल हैक नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे Instagram पर फॉलो नहीं किए हैं तो भैया जल्दी से जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं वहाँ आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेरी नीचे कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो भैया करके ही जाइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।